हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। दो नंबर हमें कोई गिवन है जिनका सम जो है वो 27 है और प्रोडक्ट करने पर वो 182 आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे कोई भी एक नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर x, देन दूसरा नंबर हमें क्या लेट करना है, देयरफोर लेट द सेकेंड नंबर, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में आदत नहीं है इस तरह की वैल्यू को लेट करने की, हमें आदत है दो वेरिएबल में इसे लेट करने, क्योंकि चैप्टर 3 में हमने दो वेरिएबल की वैल्यू को ही लेट किया था। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट को हमने x लेट किया है नंबर को और दूसरा वाला अगर हम y लेट कर लें और इनका सम कितना है, 27 है, दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं x के ही टर्म में। y को इधर रखते हैं, x को इधर ट्रांसपोज किया तो 27 माइनस एक्स मीन्स दूसरी वैल्यू x वेरिएबल में ही, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, उसको सॉल्व करना है तब जाकर हमें अपना आंसर फाइंड होगा। तो एक ही वेरिएबल यूज़ करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो वेरिएबल नहीं यूज़ करने हैं। तो दूसरा वेरिएबल के फॉर्म में सेकेंड नंबर हम ये यूज़ करेंगे, 27 माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि इनका प्रोडक्ट 182 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है इसका प्रोडक्ट, तो ये दोनों नंबर हैं इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, 27 माइनस एक्स, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट आ रहा है 182। फर्दर सॉल्व करेंगे जिससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाए, एक्स का मल्टीप्लाई 27 में 27 एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती थी, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे और इक्वल में जीरो रखते थे। तो ये सारे आइटम इस तरफ होने चाहिए, इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, ऑर्डर में भी लिखते हुए चलते हैं, पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, देन एक्स वाला टर्म प्लस 27 एक्स, इसको इधर ट्रांसपोज किया, माइनस का 182 इज इक्वल टू में जीरो, क्योंकि यहाँ आगे माइनस है तो हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिया तो सारे ही टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव था इज इक्वल टू जीरो। बोथ साइड हमने समझ लिया कि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ जीरो में माइनस का मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन हमें फाइंड होगी एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ चुका है। इसके पहले क्वेश्चन 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। हम इस एक्सरसाइज में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिडिल टर्म का फैक्टर करने के लिए इसे हम कंपेयर करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वी गेट ए इज इक्वल टू, यहाँ से वन मिलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट आगे कुछ नहीं है तो हम वन समझते हैं, बी की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस 27 जो कि एक्स का कॉफिशियंट है, सी की वैल्यू 182। अब हम कैसे स्प्लिट करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट का फैक्टर करेंगे जो भी आएगा और उन्हें ऐसे दो टर्म में हम डिवाइड करेंगे जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बी की वैल्यू फाइंड हो जो कि यहाँ पर माइनस 27 है। तो इसे आप साइड में करेंगे ये काम,
ए और सी का प्रोडक्ट कितना आएगा, ए इंटू सी 1 × 182 आएगा। इसका फैक्टर कर लेते हैं, इवन नंबर है, 2 से कैंसिल होगा, 2 9 18, 2 1 2। अब ये ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 एज अ प्राइम नंबर होता है हमारा। तो देख रहे हैं कि 3 3 9 जब कैंसिल कर लेंगे तो 1 रह जाएगा, तो ये 3 से नहीं जा रहा है। 5 से चेक करते हैं, क्योंकि 3 के बाद 5 एज अ प्राइम नंबर होता है, बट 5 से तो वो नंबर कैंसिल होते हैं जिनके लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 या 5 हो। 7 से चेक करें, 5 के बाद 7 प्राइम नंबर होता है, 7 1 7 8 9, 2 रह जाएगा, और 1 के आगे लिखेंगे 2 तो 21 हो जाएगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 1 7 और 7 3 21, 13 आ गया, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से ही कैंसिल होगा, 13 1 13। अब इन्हें ऐसे दो पार्ट में करना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर 27 आना चाहिए। तो 7 2 अगर 14 करते हैं और ये 13 रह गया, इनको अगर हम ऐड करें तो 4 3 7 और 1 1 2, 27 हो जाता है। बट हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, माइनस का 27 चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। माइनस की वैल्यू हमें यहाँ कब मिलेगी, जब ये दोनों ही माइनस के हों। चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट करने पर हमें पॉजिटिव 182 चाहिए, और दोनों ही अगर माइनस की वैल्यू ली तो प्लस का ही हमें 182 भी फाइंड होगा। तो ये फैक्टर जो हमने किए हैं मिडिल टर्म के, वो बिल्कुल सही हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हमने स्प्लिट किया है माइनस 14 और माइनस 13 में, तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही साइन सेम है। क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म का हमने फैक्टर किया है और इसके साथ एज अ वेरिएबल एक्स है, तो आपको भी यहाँ पर एक्स लिख देना है। प्लस 182 = 0, 4 टर्म हो गए हैं, 2 2 टर्म से कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस 14 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो 13 कॉमन लेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म एक्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म एक्स है, सेम ही टर्म आते हैं, हमें पता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट की वैल्यू सेम आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने फैक्टर गलत किए हैं। और यहाँ पर बड़ी वैल्यू अगर आपको नहीं समझ में आता कि यहाँ पर क्या कॉमन है, तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि 13 तो 13 से ही जाता है और 182 भी 13 से चला जाता है। तो 13 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ माइनस एज अ कॉमन हुआ तो ये दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये निगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स आएगा, ये माइनस हो जाएगा, 13 1 13 कितना रह जाएगा यहाँ पर, 5, 13 4 52 = 0, ब्रैकेट सेम हो गए, इन्हें एक बार लिख लेंगे, एक्स माइनस 14 दूसरे में एक्स माइनस 13, या आप इसे एज अ कॉमन भी समझ सकते हैं कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से हमने एक्स माइनस 14 कॉमन लिया है, दूसरे ब्रैकेट में क्या रह गया, एक्स माइनस 13, क्योंकि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो इसको एक एक करके इक्वल में 0 रखेंगे। एक्स माइनस 14 = 0 और एक्स माइनस 13 = 0, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी 14, क्योंकि इधर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 14, इसी तरह से एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 13 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर को एक्स सेलेक्ट कर रखा है, पर आपको लिखना है हैंस द फर्स्ट नंबर 14 हो गया, देन सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, सेकेंड नंबर हमने लेट कर रखा था 27 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 14 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ 14 हमने लिख दिया, 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3, 2 में से 1, तो 13 आ गया। मीन्स एक नंबर अगर 14 है तो दूसरा 13 होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि द फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर अगर हम एक्स की वैल्यू 13 लेकर चलें, देन सेकेंड नंबर 27 माइनस 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे 27 से 13 तो 14 आएगा। मीन्स एक नंबर 14 होगा तो दूसरा नंबर 13 होगा, और अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा 14 होगा। ये आपका इसका कंप्लीट आंसर है।
आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इन्होंने कहा था कि दोनों का सम क्या होगा, 27 होगा, तो 13 और 14 ऐड करने पर कितना आता है, 27। और इनका प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा था 182, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, 14 3 जा 42, 4 कैरी कर लिया, 14 1 जा 14 और 4 18, तो इसका प्रोडक्ट भी 182 आ रहा है, जो कि हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर का सम 365 आता है, तो हम सबसे पहले उस पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर लेंगे। तो जब भी हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहता है तो उसको हम कैसे लेट करते हैं, इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स और एक्स प्लस वन, मीन्स जब भी कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर कहेगा तो आपको इसी तरह से लेट करना है, एक्स एक्स प्लस वन। अगर आगे और भी कहते थ्री या फोर कहते तो हम नेक्स्ट क्या लेट करते, एक्स प्लस टू, देन उसके बाद एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, और इसी तरह से आप इसको लेट कर सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को। यहाँ पर इन्होंने कहा कि इनके स्क्वायर का सम, तो लिख लेते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके स्क्वायर का सम, तो एक का स्क्वायर ये किया और दूसरा नंबर जो हमने इंटीजर लेट कर रखा है वो है एक्स प्लस वन, उसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम हमें गिवन है 365। इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड होगी, एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या आइडेंटिटी बन रही है हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो कंपेयर करने पे यहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स है और बी इज इक्वल टू वन है, तो इसे ओपन कर लेते हैं हम। पहले हमें ए का स्क्वायर करना और ए की जगह एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह वन है, बी का स्क्वायर करना है तो वन का स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर वन है, इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, वन का स्क्वायर करने पर वन ही आएगा, वन पे जितनी भी पावर लगाओ तो वो वन ही आती है, प्लस टू का मल्टीप्लाई एक्स में 2x, 2x का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 365। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्या होता है, सारे ही टर्म इधर होते हैं और इक्वल में जीरो होता है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर x वाला टर्म लिखेंगे क्योंकि हमें पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, प्लस 1, इसको इधर ट्रांसपोज किया, माइनस का 365 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में जब हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी 364 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को अभी हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सारे ही टर्म क्या हैं, इनके आगे जो भी नंबर यूज़ किया गया है वो इवन है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं जिससे इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाए, एक्स स्क्वायर 2 कॉमन लेने पर प्लस 2 कॉमन हो चुका x, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 रह गया 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 2 को अगर हम इधर ट्रांसपोज करके ले जाएं तो क्या होगा, इस पूरे के मल्टीप्लाई में ये 2 है तो इधर ट्रांसपोज करने पर डिवाइड में आएगा, और 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर लिखते हैं तो पूरा टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 फाइंड होगा। ये हमारी इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई है।
अब इसे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसको आगे फैक्टर करेंगे तभी तो हमें x की वैल्यू फाइंड होगी जो कि हमें पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू देगी। तो इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वी गेट। तो कंपेयर करने पे यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आई है, बी की वैल्यू भी 1 आई है क्योंकि इनके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 समझते हैं, सी की वैल्यू 182 आई है। अब आगे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए इंटू सी करते हैं, मीन्स ए और सी का प्रोडक्ट। तो यहाँ ए और सी का प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, 1 × −182 कितना आएगा, 182। तो हमें 182 का फैक्टर करना है। देख रहे हैं ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2। 91 ये एक ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 × 3 = 9 और 1 रह जाएगा तो 3 से नहीं जा रहा है। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, क्योंकि 5 से अगर डिवाइड होगा वो नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा, देन उसके बाद प्राइम नंबर 7 आता है, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 1 = 7 = 8 = 9, 2 रह गया, 2 को अगर 1 के आगे लिखेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 × 3 = 21, 13 से ही कैंसिल होता है क्योंकि एक प्राइम नंबर है। अब इसके ऐसे दो पार्ट कर लेने हैं कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे हमें बी की वैल्यू मिले जो कि यहाँ पर 1 है, तो 7 × 2 = 14 और एक यहाँ पर 13 रह गया है फैक्टर, 14 और 13, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 भी फाइंड हो जाएगा। बट अब हम क्या करेंगे, साइन भी चेक करेंगे। तो प्रोडक्ट करने पे हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक माइनस होना चाहिए, बट ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे हमें 1 चाहिए। और अब हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे कि बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे और छोटी वैल्यू को हम निगेटिव में रखेंगे, तभी प्लस के 14 में से −13 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 फाइंड होगा जो कि बी की वैल्यू है। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू अगर निगेटिव है तो आपको माइनस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसके फैक्टर हमारे प्लस का 14 और −13 है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया है 14 और −13 में, तो प्लस का अगर यहाँ पर साइन है तो पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू हम रखेंगे, 14 − 13, और क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है तो इन दोनों के साथ x लिखना है, −182 इज इक्वल टू 0। चार टर्म हो गए हैं, दो दो टर्म लेकर कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से x कॉमन होगा, x प्लस 14, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ से क्या कॉमन लें तो 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, 13 कॉमन लेंगे x, क्योंकि यहाँ एज अ माइनस भी कॉमन हो चुका है, मैंने आपको कई बार इसको बताया है कि माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही अगर बाहर माइनस लेते हैं तो जिन टर्म का हमने कॉमन लिया उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये नेगेटिव था पॉजिटिव एक्स हो गया और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 13 से इसे कैंसिल करेंगे, 13 × 13 कितना रह गया, 5 रह गया, ये हो गया 52, 13 × 4 = 52 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं हमारे ब्रैकेट सेम है, मीन्स जो हमने फैक्टर किया वो बिल्कुल सही है। कॉमन लेंगे x प्लस 14 को तो क्या रह जाएगा, x माइनस 13 रह जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल में रखेंगे और जहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड होगी, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 14 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 13 को इधर ट्रांसपोज किया, माइनस था पॉजिटिव 13 हो गया। ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो यही हमारी x की वैल्यू करेक्ट है, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, हैंस 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक हो गया 13 और दूसरा हमने लेट किया था x प्लस 1, तो x की जगह 13 रखेंगे और प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। क्या इनके स्क्वायर का सम 365 आएगा? तो हम 13 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 14 का स्क्वायर और इनका सम चेक कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। 96 कितना हो गया? 15। 1 कैरी किया, 96 15 और एक 16 हो गया। फिर 1 कैरी किया, 112 और एक कैरी था तो 3 हो गया। यहाँ से देख रहे हैं कि इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 365, जो कि हमें कंडीशन गिवन थी। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।